जय सियाराम। मैं हिमानी वशिष्ठ आपका अपने चैनल सनातन भारत पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से और आपके मेरे वीडियोस को शेयर करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। जब आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं, तो मैं प्रोत्साहित होकर और भी कार्य करती हूँ और भी नई वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर मुझे लगेगा कोई देख ही नहीं रहा है तो क्या लाभ अपने वीडियोस को डालने का, और इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं हमारे सनातन धर्म का, हमारी जो ज्ञान रूपी संपदा है, उसका अधिक से अधिक प्रचार कर सकूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया करके इन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं हमारे विषय पर। हमारा विषय है कि अगर किसी को अकाल मृत्यु का भय है, किसी भी कारण से हो सकता है, किसी शत्रु से भय हो सकता है कि अकाल मृत्यु हो सकती है, किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी बीमारी के कारण, किसी भी अन्य कारण से, किसी ज्योतिषीय कारण से, किसी भी दैहिक दैवी किसी भी ताप से उसको लग सकता है कि उसको अकाल मृत्यु का भय है, या कोई भी चाहता है कि उसे कभी भी अकाल मृत्यु, अनटाइमली डेथ ना हो, समय से ही मृत्यु हो, तो उसके लिए उसे क्या उपचार करना चाहिए। और जिनकी जन्मपत्री में अल्पायु का भी जो ऐसा कोई दुर्योग बना है, कोई ऐसा कुछ आपका दोष है, तो वो भी लोग ये चौपाई का जाप कर सकते हैं। ये चौपाई श्री रामचरितमानस जी से ली गई है। अगर आप इसको सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं। इस चौपाई को सिद्ध करने का तरीका मैंने अपने वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, तो आप उस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं। किसे कैसे सिद्ध करना है, आप इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ चौपाई ही बताऊँगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सर्वप्रथम प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना होगा। सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपार, लोचन निज पद जंत्रित, जाही प्राण के ही बाट, सियापति राम जय जय राम। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाही प्राण के ही बाट। अर्थात सारा दिन, दिन भर मैं आप ही के नाम का ध्यान करता रहता हूँ, रात्रि को सोते समय भी मेरा ध्यान आप ही के ऊपर केंद्रित होता है। मेरी चेतना मैं यहाँ पर लाकर, फोरहेड के बीच में लाकर आप ही को ध्यान करता रहता हूँ। मेरी आँखों में भी आप ही के चरण बस गए हैं। तो किस प्रकार से जो मेरा प्राण वायु है, जो मेरे प्राण है, वो ऐसे अकस्मात अकाल मृत्यु से निकल जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि ऐसे में प्रभु श्री राम ऐसे व्यक्ति के सहायक बन जाते हैं। आशा करती हूँ श्री राम आपकी रक्षा करेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रभु में श्रद्धा रखेंगे, उनकी शक्तियों में आस्था रखेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। आप मुझसे जुड़े रहें मेरे चैनल के द्वारा। मैं आपसे अभी विदा लेना चाहूँगी। जय श्री राम।